पिछले कई सालों से जो है वो चेंज होता आ रहा है, और मुख्तलिफ जरियों से मीडिया ने तरक्की और इस चेंजेस आई। मीडिया पहले इस्तेमाल होता था, हम ठीक है, हमेशा से इस्तेमाल होता आ रहा है एज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि बेसिकली एक मीडिया एक टूल है जिसको के यूज किया जाता है कि आवाम से कम्युनिकेट किया जाए, उन तक मुख्तलिफ बातों को पहुंचाया जाए। जैसे मानव तरक्की करी है और साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, साथ ही क्या हुआ है कि मीडिया की भी मुख्तलिफ अकसाम निकली हैं। और आज के दौर में, यानी कि पिछले 10 सालों से लेके आज जिस जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट और जो जो कि चीज इवॉल्व होकर आई है वो है सोशल मीडिया। तो अगर मैं आप में से किसी से भी सवाल करूं कि आप सोशल मीडिया के बारे में क्या जानते हैं या इसको किस तरीके से देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सोशल मीडिया, बेसिकली डिजिटल टूल, और ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है कि हम मुख्तलिफ डेटा को, इंफॉर्मेशन को, मुख्तलिफ मल्टीमीडिया को शेयर कर सकें, उसकी पैगाम रसान कर सकें मुख्तलिफ लोगों तक या मुख्तलिफ जरियों से मुख्तलिफ अफराद तक, या अपनी एटलीस्ट सोसाइटी के अंदर हम इस डिजिटल टूल को यूज कर सकें ताकि हम मुख्तलिफ चीजों को शेयर कर सकें। अच्छा, अब जिस तरीके से इंसान ने वक्त के साथ हम लोग ये समझने लगे, साथ इंसान ही समझने की कोशिश करी कि मादी तरक्की, ये जो मटीरियलिस्टिक पूरी जो हम तरक्की कर रहे हैं, ये हमारे ईमान की जगह ले ले, और जो बेसिकली हमारे फितरत के अंदर ईमान पोशीदा या खुदा से मोहब्बत पोशीदा है, हमारी जो मटीरियलिस्टिक पूरी एडवांसमेंट है, ये इसकी जगह ले ली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ये जितनी भी साइंस की साइंसी तरक्की थी, इल्मी व फनी या सनती तरक्की थी, ये इसने ईमान की जगह नहीं ली। इस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया की तरफ आते हैं तो अब मसला ये आया कि जैसे जैसे सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ और ये सोसाइटी के अंदर जो वो प्रोपोगेट हुआ और लोगों लोगों तक पता चला, तो मुख्तलिफ वेस्टर्न लोगों ने या मुख्तलिफ जो थिंक टैंक है बेसिकली, उन लोगों ने कोशिश करी कि इसको यूटिलाइज करें अपने बस के लिए, या कल्चरल अपने कर को या अपनी चीजों को दुनिया भर में इजीली आसानी से प्रोवाइड कर सकें या उनको पहुंचा सकें। तो वेस्टर्न लोगों ने या वेस्टर्न थिंक टैंक्स ने क्या करा, मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग एप्स बनाई, जिसमें कि हमारे पास सरे फहरिस्त जो है वो फेसबुक है, शुरू में हमारे पास ऑर्कट था, उसके अलावा हमारे पास वाइबर है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, और मुख्तलिफ बेशुमार सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पे के हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और सोशलाइजिंग करने की कोशिश करते हैं दुनिया भर के लोगों से। एक चीज को याद रखिएगा, ये जो हमारा सामने आज की दुनिया, ये एक तरीके से ग्लोबलाइज विलेज है। यानी कि मैं यहाँ बैठ के दुनिया भर के लोगों से वेल कनेक्टेड हूँ और मुझे दुनिया भर की खबरें, मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर आज कोरोना वायरस से या COVID-19 से क्या तबाहकारियां हो रही हैं, या वहाँ पे क्या मुश्किलात आ रही हैं, यहाँ पे किस तरीके से लोग पर कर रहे हैं, इस चीज का अंदाजा
मैं आज यहाँ बैठ के इजीली यूट्यूब पे जाके या किसी भी जरिए से अपने किसी इंडियन दोस्त को फेसबुक से कनेक्ट करके पता लगा सकता हूँ, या मैं मुख्तलिफ खबरों के जरिए इसको मालूम कर सकता हूँ ये कैसे हुआ है, ये कैसे मुमकिन हुआ है। ये इसी सोशल मीडिया और मीडिया के एडवांसमेंट की वजह से मुमकिन हो पाया है। लेकिन एक सवाल जो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दीन को फैलाने के लिए या परवरदिगार आलम के ने जो दीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महबूस किया उसको फैलाने के लिए कि क्या हम सोशल मीडिया या मीडिया के मोहताज तो नहीं है कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ये हमारे जिंदगी का या हमारे कामों का एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है कि हमारी खानवादी जिंदगी हो या हमारी निजी प्राइवेट लाइफ हो या हमारी कोई सी लाइफ हो जो कि हम जी रहे हैं, उसकी कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत अशद जरूरत बन चुका है और इसके बगैर हमारा जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं है। तो हमें इन कुछ सवालात को आगे लेके बढ़ना होगा ताकि हम ये पता हो कि बेसिकली क्या सोशल मीडिया के यूज करने के एडवांटेजेस एंड सिमिलरली डिसएडवांटेजेस हैं और हमें कुछ अपनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी ताकि हम सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। दूसरी चीज ये कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन है कि मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये होगी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम देने से पहले या इसको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल समझते हुए इसको यूज करने से पहले पहले कुछ हमारे दीन के हवाले से जो हमारे एग्जाम की या हमारे फिलोसोफर्स की या हमारे स्कॉलर्स की जो हिदायत हैं या उनकी जो तहरीरें या उनका जो उनकी जो बेसिकली रिसर्च है जैसे शेख मुर्तज़ा मुतहरी की या रहबर मौजम आयत सैयद अली खामनाई की, इन लोगों की जो मतूब हैं इनका पहले मुताला करें उसके बाद आप जो है ना इस मैदान में वारिद हों और अपने आप को जो है ना वो यहाँ पे एक अच्छे एसेट के तौर पे यूटिलाइज करें। पहली बात तो ये कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब हमारे पास मीडिया की मीडियम्स मौजूद यानी कि सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, प्रिंट मीडिया मौजूद नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं था, जैसे में आपके जैसे बहुत सारे डिपेंडेंट हो गए हैं कि भाई हम लोग सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे फेसबुक पे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी भी दोस्त को तबलीग करेंगे उससे बातचीत करेंगे। तो ये सवाल जो कि हमारे जहनों में हमेशा रहना चाहिए कि हमें कभी भी अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए या अपने हमारे जो दीन को फैलाने के काम है इनको करने के लिए कभी भी किसी भी दुश्मन के बनाए हुए हथियार पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हाँ इसको यूज करना है, इसको इसको इफेक्टिव मैनर में यूज करना है, लेकिन हमें इस पे फुली डिपेंडेंट नहीं होना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पे फुली डिपेंडेंट हो जाएं और वो है कि जो दुश्मन है हमारा जो नहीं चाहता कि बेसिकली जो इस्लाम इस्लाम नाबदी है वो इसको अपने हिसाब से मोल्ड करके और मिसाल के तौर पर देखते हैं कि आज बहुत सारे फेसबुक के ऊपर या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर या ऐप्स के ऊपर हमारे आईएमएस से मंसूब बहुत सारे अहवाल शेयर हो रहे होते हैं, लेकिन खुद अगर आप उस तहकीक करेंगे या उसकी इनसाइट जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम कि बहुत सारे लोगों को उसका रेफरेंस ही उसकी का नहीं पता। बेसिकली उनको भी कहीं मिला होता है और वो भी आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम लोग असल से दूर हो जाते हैं। असल क्या है? असल ये है कि हम लोग मुताला करें, हम लोग फिक्र और तदब्बुर करें और उसको देखें कि क्या वाकई हमारे आइम्मा के जुमले हैं। तो हमें इन चीजों से कोशिश करनी होगी कि बचें। बेसिकली कहने का इस बहस को करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते वक्त हम लोग एक रेड लाइन करें कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, हम इससे तजावुज नहीं करेंगे। क्यों? मुमकिन है कि अगर हम तजावुज करें तो हमारा
ईमान या जो तखवा है वो हमारा खतरे में पड़ गई। क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये जो आलम की तरफ जो है वो देखें या अपने दीन को सही तरीके से इस दुनिया तक फैलाएं, तो हमें देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जो है वो इस तरफ धकेला जा रहा है, या हमें जो है वो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग इस तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये कि मैं ऐसा तो नहीं है कि दीन फैलाने के नाम पे या इस्लाम को प्रोपोगेट करने या स्प्रेड करने के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी का वक्त जो है उस पर लगा रहा हूँ, या जो मेरे दिन के 24 घंटे हैं इसमें से मैं बहुत सारा टाइम जो है वो इसके ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को, कि हमें इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना है और हमें एक लिमिटेशंस में रहते हुए इसको इस्तेमाल करना है। हाँ ये जरूर है कि सोशल मीडिया के आने के बाद दुनिया भर में बहुत सारी जो तहरीकें हैं या बहुत सारी जो बहुत सारे मैं इसको बोलूं कि प्रोटेस्ट कह लें आप या बहुत सारी मूवमेंट्स बेसिकली इसी के जरिए आई हैं। हर दफे मिस्र का जो मिस्र में जो बहुत सारी हंगामे हुए और तहरीकें चली उसमें एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो एक ट्विटर का ट्वीट था। ट्विटर पे किसी दो बंदे ने ट्वीट करा और उस ट्वीट के वो ट्वीट शेयर हुआ मुसलसल और वो लोगों तक पहुंचा और वहां की मुख्तलिफ खबरें जो अंदर जो मजालिम हो रहे थे लोगों के साथ या लोगों को बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू था वो दुनिया 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 को पता चला। और फिर हमने आगे चल के देखा कि किस तरीके से वहां पे तब्दीली आई। इसीलिए हमारे बहुत सारे मिसाल तौर पर जो हमारे करंट पाकिस्तान में शिया कौम के इशूज हैं या मुख्तलिफ हमारी उल्मा या मुख्तलिफ हमारे मराज की तकरीर है वो हमें इस सोशल मीडिया के जरिए मिलती हैं, या हाल ही में बहुत सारे हमारे जो कौमी और मिली मसाइल हैं वो इसी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। तो शक नहीं है कि ये एक इफेक्टिव जरिया भी है लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन हमें ये एक चीज को मद्देनजर रखना होगा कि क्या मुमकिन है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमें कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे दे और हमसे उसके एवज कोई सर्विसेज ना ले रहा हूं। मैं एक सवाल करता हूँ आप लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, कि आप लोग क्या कहते हैं तौर पे जो इसको इमाम खुमैनी ने शैतान बुजुर्ग का अमरीका या इसराइल और जिन्होंने इन सोशल मीडिया एप्स को बनाया जिसको कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से एक पे हमारा लेक्चर भी हो रहा है यानी कि जूम, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसको उन लोगों ने फ्री में बना दिया है और इसके बाद हमसे कोई सर्विसेज नहीं ले लूंगा? अगर कोई दोस्त इसका जवाब देना चाहे तो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो आगाजान इसका जवाब कुछ इस तरह है कि जो भी सोशल मीडिया पे ऐप्स वगैरह बने हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह जो हो गई, ये सारी चीजें ये अमेरिका के अंदर जो है एक इदारा आता है इंटेलिजेंस NSA करके, तो ये उस इदारे का जो है एक छोटा सा समझे क्या कहा जाए उसे दफ्तर है। वो छोटा सा दफ्तर इतना छोटा है कि अंडरग्राउंड ठीक है लैटिट्यूड और जो अपना यानी आम लफ्जों में समझा देते हैं कि दोनों हाथ खोल दें आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ और चारों तरफ जो है आप जो है ना 9 किलोमीटर जो फासला लें और ये सारा एरिया जो कवर करेंगे हम, इस एरिया में जो है फकत सुपर कंप्यूटर्स रखे गए हैं। पर कंप्यूटर का काम क्या है, सुपर कंप्यूटर का काम कि जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ना, जैसे हम किससे बात करते हैं तो वो BTS के थ्रू जो है पहले उस इदारे के पास जाती है, फिर उस इदारे के पास जो है वो चीज जाके जो सेव हो जाती है, फिर जो है वहां पर जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो हाईलाइट हुए हुए होते हैं जो कि
बेसिकली, यानी जैसे एक बॉम का वर्ड है वो हाईलाइट हुआ होता है, और भी ऐसे कुछ वर्ड्स वगैरह होते हैं जो हाईलाइट हुए होते हैं पहले से, वो चीज़ अलग से डिटेक्ट हो जाती है, उसके अलावा जो चीज़ होती है वो फिर दूसरी तरफ चली जाती है, फिर जाके जो है वो BTS के थ्रू दोबारा जो है वो पहुँचता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली जो है इनके पास जमा हो रही होती है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास, NSC के पास, और ये इसी के थ्रू जो है अपने दुश्मनों को, यानी जो बेसिकली मुस्लिम जो है हमारे ये मुस्लिम जो इनके वापसी दुश्मन हैं जो है वो टारगेट, क्योंकि ये ज़माना ऐसा आ गया है ज़माने में जो है सोशल मीडिया में जो है सोशल मीडिया के थ्रू बहुत मुश्किल करवाए बेहतर, ठीक है, बहुत खूब। तो हमारी नजर अच्छा, ये नहीं कह सकते कि ये जो है फिल्म यानी मुफ्त में जो है ये सारी चीज़ें दे रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं दे रहा, बल्कि इन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। बेहतर, ठीक है, काफी हद तक आपने चीजों को कवर कर दिया। अच्छा इंसान में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि देखें इस चीज को समझे कि इंसान में जो मुख्तलिफ इंस्टिंक्ट्स या मुख्तलिफ जो ट्रेट्स मौजूद है ना, उसमें से एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट है सोशलाइजिंग। मतलब इन जनरल अगर आप देखें तो इंसान की जो एक ट्रेट है, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि वो सोशलाइज कर रहे हैं। चीज को समझने की जरूरत है कि बेसिकली सोशल मीडिया ने ना हमारी जो एक जरूरत थी सोशलाइज करने की, यानी कि लोगों से फिजिकली कह लें इंटरेक्ट करने की, उसको उस कमी को पूरा करती है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं या हम लोग दो जिंदगियां जी रहे हूँ, यानी कि एक जिंदगी वो जो कि मैं अपने घर में जी रहा हूँ या मैं अपने उन लोगों के सामने, उन दोस्तों के सामने, उन अहबाब के सामने जी रहा हूँ जिनसे कि मैं फिजिकली इंटरेक्ट करता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, मिल जुलता हूँ, और दूसरे वो लोग के जो मेरे सोशल मीडिया के बेसिकली दोस्त हैं या जिनसे मैं सोशल मीडिया पे मिलता हूँ या मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं दो दो जिंदगी तो नहीं जी रहा। क्यों? अच्छा, मैं दो जिंदगी क्यों जी सकता हूँ? क्योंकि मेरी जो एक बहुत बड़ी जरूरत थी यानी कि सोशलाइज करने की, सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। अब फितरी हवाले से मुझे एक मीडियम मिल गया, मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास एक हथियार है जिससे मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उस हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका मुझे खुद इसके बारे में मुझे खुद सोचना होगा। हाँ, हम लोगों को सोचना होगा कि भाई ये जो हथियार हम लोगों को मिला है सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के तौर पे, इसको हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। अदरवाइज ये हो सकता है कि हमारा जो बेसिक पैगाम है या जो हमारा जो दीन है वो खतरे में पड़ सकता है। क्यों खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि देखें चीजें जो है ना वो बहुत जल्दी या बहुत तेजी से ना वो चेंज हो रही हैं, और आप देखते होंगे कि मिसाल के तौर पे आज एक सोशल ट्विटर पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे कोई ट्रेंड चलता है, कल कोई और सा ट्रेंड होता है। तो असल में इसके जरिए हो क्या रहा है कि हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट है ना सोचने का, हमारी सोचने और समझने की सलाहियत है वो दिन के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से रोजाना की बुनियाद पे जो है वो चेंज हो रही है, और मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ ट्रेंड्स को लाके या मुख्तलिफ चीजों को जो है वो इंड्यूस करवा के हमारी सोचने और समझने की सलाहियत को चेंज किया जा रहा है, या हम लोग किसी और तरीके से सोच रहे हैं, यानी कि बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है हमारे सोचने में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद इतना वक्त दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारी जिंदगी का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि हम सब लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज है। इसके बगैर हम लोग अक्सर सारे तौर पर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे ना आप एक हफ्ते बगैर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के रह के दिखाएं, तो कम अज कम मेरे जैसे बंदे के लिए आप शायद कुछ के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग बगैर स्मार्टफोन के या बगैर सोशल मीडिया नेट पे यूज करे एक हफ्ता या दो हफ्ता रह सके। मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, यानी कि हम लोग इनको इस्तेमाल करके हम लोग हफ्ते
अच्छा अब ये तो हो गई था वो बातें कि हमें इंडिया को क्या समझते हैं, अब हमें करना है क्या है, अब हमें करना ही सबसे देखें मेरी आप लोगों से ये अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद में एक बात आप लोगों को ये कर रहा हूँ। हम लोगों को बेसिकली सबसे पहले तो इस एज में ही कोशिश करनी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो दीनी और दुनियावी उलूम को हासिल करने में लगाएं। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, अभी इस एज में जो आप लोग की एज है, जो कम अज कम मेरी भी एज है, हमें कोशिश करनी है कि हम अपना मेजोरिटी जो टाइम है हम एट मैक्सिमम कोशिश करें कि हम दीनी और दुनियावी इल्म को हासिल करने में अपना वक्त सर्व करें, लेकिन फिक्र तदब्बुर के, सोचो विचार के साथ। ठीक, वो इल्म मैं हासिल करूँ, उसको मैं लोगों तक कर सकूं और मैं, मेरा वो जो इल्म है वो माशरे के लिए मुफीद भी इल्म हासिल करने। तौर पे COVID-19 बहुत से स्कूल के बारे में किसी उनके बारे में जैसे कर रहे हैं, और वही चीज हमारी ऑनलाइन शुरू हो जाती है। अब मैं जो ऑनलाइन जो है वो इल्म हासिल कर रहा हूँ या पढ़ा कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये मतलब एक्सेप्ट मैंने आगे भेज दिया, मैंने उस बंदे ने फर्दर आगे भेज दिया। अब हुआ क्या, किसी भी शेयर करने वाले बंदे को उसका असल में रेफरेंस, लेकिन वो इतना शेयर हुआ, इतना शेयर हुआ कि वो एक मोहतरम चीज बन गई। और उसको मिसाल के तौर पे हमारे मुख्तलिफ महाफिलों में या मुख्तलिफ कोट किया जाने लगा, क्या फिर मासूम नहीं है आया या फलाने तहरीर इस तरह की चल रही है और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट असल बात थी। तो वो किसी एक बंदे को कोई चीज पसंद आ गई थी, तहरीर बनाया और उसको आगे चला दिया, मुझे भी पसंद आ गया, मुझे भी आदत पड़ गई है। मिसाल में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शेयरिंग करने की, फॉरवर्डिंग करने की, उसको फॉरवर्ड और शेयर कर दिया। अब इन द एंड हो क्या रहे, हम सारे लेयरिंग और फॉरवर्डिंग पर मुनहसर हो गए हैं, बजाय इसके कि मैं खुद कुछ पढ़ूं, मैं हूं कि मैं, मुझे कोई कुछ भेजेगा मैं उसको पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगे मैं आगे भेज दूंगा, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं खुद से कुछ अपनी कोशिश नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से मुख्तलिफ मटेरियल जो अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं देख रहा कि भाई क्या वो मटेरियल ऑथेंटिक है या नहीं है। तो बात इतनी सी है कि मैं जो मैंने शुरू करी थी कि जो इल्म हासिल हम हमें करना है दुनियावी और दीनी, हमें कोशिश करनी है कि अगर तो डिफरेंट एप्स हैं क्या ये मुझे मदद फरहम कर रही हैं कि असल में वो इल्म जो कि माशरे के लिए मुफीद है मुझे हासिल करना है, या मुझे उसका एटलीस्ट कम से कम आगे लोगों तक फॉरवर्ड करने, उनको बनाने, क्या मुझे सोशल मीडिया एप्स ये या ये टूल जो है बेसिकली, या क्या ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं करूं। अगर मैं करूं तो उसके बावजूद मुझे इस एहतियात के साथ करना है कि मैं लोगों तक ये बात बता सकूं कि भाई आपने जो कुछ भी हासिल करना है वो अपनी मेहनत से करना है। ये मेरा एक नजरिया है या मेरा एक समझ लें मेरी रिसर्च है, मैंने ये पढ़ा है, मैं ये समझता हूँ। आप इसको बेशक पढ़ें या इसको आप लोगों तक फैलाएं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी आप अपने अंदर भी ना एक जस्तुजू पैदा करें कि आप लोग खुद भी पढ़ने की, समझने की, सोचने की जो है सलाहियत अपने अंदर लेकर आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे, या कम से कम मैं जो हूँ इस चीज का शिकार हूँ कि मैं कोई भी चीज देखता हूँ, कोई भी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पिक्चर देखता हूँ और मैं उसको आगे सिर्फ शेयर कर देता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। होता क्या है कि वो मिनट मिनट में नई नई पिक्चर में नई नई चीजें आ रही हैं, और वो क्या है, मैं मुसलसल इंडल्ज हुआ जा रहा हूँ। ये जो आप में से बहुत सारे लोग अगर फेसबुक का अकाउंट है उनके पास, अगर वो इंस्टाग्राम का या मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्स आप लोगों के पास, आपने देखा होगा कि उसमें एक टूल होता है स्वाइप करने का। वो होता क्या है कि जैसे कि आप पेप्सी का स्लोगन है, ये मेरे ख्याल से कोको कोला का स्लोगन है, दिल मांगे, और वो है क्या स्वाइप करना कि आप मुसलसल उसको आगे बढ़ाते रहें। जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपको
चेंज मिलता रहेगा आपको, नई नई चीज आप डिस्कवर करते रहेंगे, यार अच्छा ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ, अच्छा ये भी हुआ। हुआ क्या है, हुआ कुछ भी नहीं है, आपका जो जहन है ना उसके उसके साथ थोड़ा सा खेला गया है। वो किस तरीके से खेला गया है कि आपको पांच मुख्तलिफ चीजें दिखाई गई करना, और आपने उसको सिर्फ स्वाइप करके देखा है, और आपने ये तस्वीर किया कि मैं बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हूँ। बेसिकली आप वेल हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, हम लोग जो है ना वो बेसिकली हमारे पास एक्सेसिव डेटा आया हुआ है। इन्फॉर्मेशन और डेटा में फर्क है ना, तो हम लोग उस स्वाइप करने की वजह से बहुत सारा डेटा सिर्फ अपने आंखों के सामने से देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहे। ये हमें अच्छा आवाज आ रही है सबको दोबारा? जी जी आ रही है, बोले। ठीक है, अच्छा लाइन हमारी ड्रॉप हो गई थी। तो बेसिकली हम लोग बात ये कर रहे थे कि हमें जो इल्म हासिल करना है दीनी और दुनियावी दोनों, उसको उसको उस इल्म को हासिल करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा ये हमारी बहस तमाम हो गई कि भाई जो हमारा ये हुसूल इल्म है इसके लिए सोशल मीडिया का बेसिकली रोल क्या है। अच्छा अब दूसरा आते हैं हम अपनी माशरती और इज्तिमाई जिंदगी के ऊपर। देखिए शेख मुर्तजा मुतहरी अपनी कुछ तहरीरों में ही कहते हैं कि ये भी जो हमारी जिंदगी है, यानी कि जो हमारी माशरती जिंदगी है और जो हमारी एक इज्तिमाई जिंदगी है, ये भी इंसान की एक बहुत अहम जरूरत है। और फितरतन शेख मुर्तजा मुतहरी कहते हैं कि इंसान खुद सोशल है, यानी कि वो खुद चाहता है कि वो कुछ चीजों का तज्जिया करे, चीजों पर क्रिटिक करे, लोगों से इंटरेक्शन करे, मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करे और अपना बेसिकली इजहार ख्याल करे। तो अब आप में से ये भी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आपने तो बहुत सारों ने नोट करा होगा कि जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से एक्टिव होते हैं या बहुत ज्यादा इजहार ख्याल वहां पे कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली यानी कि अब जो जिस जो कि रियल बेसिकली इज्तिमाई जिंदगी है, जिसमें कि असल में लोगों के मसाइल को हल करना है या उनसे मुलाकात करनी है या लोगों के मसाइल को सुनना है या अपने मसाइल को बताना है या बेसिकली मुख्तलिफ जो एक पूरी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं यानी इज्तिमाई, इसमें वो बहुत ज्यादा फाल नहीं होते। वो होता क्या है कि जो मैंने अभी तक समझा है वो ये कि इन प्लेटफॉर्म ने जो एक नुकसान दिया है वो ये दिया है, यानी कि एक जो खराबी पैदा करी है वो क्या करी है कि बहुत सारे जवान हमारे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ के अचीवमेंट्स या अपनी पर्सनल जिंदगियों को शेयर कर करके इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जहाँ पे हम ये समझने लगते हैं कि यार जो ज्यादा शेयर कर रहे हैं ना, ये जो ज्यादा यहाँ पे इजहार ख्याल कर रहे हैं वो ज्यादा एक्टिव होने की बुनियाद पे असल में भी शायद ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आप उसी बंदे को या उसी शख्स को असल में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये तो वो बंदा ही नहीं है, ये तो यहाँ ये तो 10 लोगों को जानता तक नहीं है अपने मोहल्ले में, अपने मस्जिद में, अपने इमाम बारगाह में। तो हुआ क्या है बेसिकली कि हमें एक एक्सेस मिला है, लोगों को एक्सेस मिला है कि अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पर्सनल जिंदगियों को
सोशल मीडिया पे आके शेयर करें, वहां पे बताएं कि भाई बेसिकली हमारी क्या अचीवमेंट है, हमारे साथ क्या गुजर रही है। लेकिन असल में एक्चुअली वो खुद किसी को बता नहीं रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक वहां पे जो मुख्तलिफ टूल्स उनको इस्तेमाल करते हैं वहां पे से शेयरिंग शुरू कर दी। तो इस चीज को जरूर आप लोग जो है वो देखें कि बहुत ज्यादा जो है ना वहां पे इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अपनी दुनियावी और इज्तिमाई जिंदगी के अंदर भी उतना ही एक्टिव हूँ, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि पहले हम उस जिंदगी में ज्यादा एक्टिव हों, उसके बाद बेशक हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो सोशल मीडिया पे टाइम गुजार सकते हैं। दूसरा ये कि एक और चीज ये कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ये समझते हैं कि मैं अपनी अगर पर्सनल लाइफ को मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर बात करूं कि मेरा निकाह हो गया या मेरी शादी हो गई या मिसाल के तौर पर मेरा किसी का इंतकाल हो गया, कुछ भी हो गया, मैं अगर वहां पे उसको नहीं डालूंगा तो उसका मतलब ये कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। भाई ये मेरी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी नहीं है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ है तो मैं वहां डालूंगा तो लोगों को पता चला, बल्कि किसी भी अफ्रीका में किसी आउटरीच जगह पे रह रहा हूँ कि जहां पे मेरा लोगों से रापता ही होना पॉसिबल नहीं है, मेरे पास सिर्फ वाहिद जरिया यही मुख्तलिफ नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं या नेटवर्किंग साइट्स हैं तो मैं डालूं तब तो ठीक है। लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ का हर किसी को पता होना, या मिसाल तौर पर अगर किसी बंदे के बारे में मजाका नाच कहते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती तो बोलते हैं आप उसका नाम बता दो, उसको फेसबुक को सर्च करते हैं और वहां पे हम उसको आगे तक देख लेते हैं भाई इसके इसका क्या पूरा हिस्ट्री है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि किसी बंदे की प्राइवेसी कहाँ पर करता है, बाय प्रोफेशन क्या है, रहता कहाँ पर है, क्या एज है और क्या आज कहाँ था, कल कहाँ था, परसों कहाँ, सब कुछ वहां पे मुझे अवेलेबल होके मिल जाएगा। तो खुद मेरी जिंदगी की जो एक प्राइवेसी है वो भी इससे डिस्टर्ब है। लेकिन फिर वही वाली बात, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं जो हूँ वो इसको बिल्कुल ही छोड़ दूं या अपना ताल्लुक जो है वो खत्म कर दूं। असल में हमें ये देखना है कि भाई मुझे इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको इस्तेमाल करने में इतना आगे निकल रहा हूँ कि मैं खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ या खुद मेरा ईमान खतरे में पड़ रहा है या खुद मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात को इसी के जरिए जो है वो सिर्फ पूरा कर रहा हूँ या मुझे जो है वो मेरी नफसानी ख्वाहिशात को मजीद उभारा जा रहा है इसको इस्तेमाल करते हुए। अगर तो मैं अपने आप को महफूज या अपनी जो बेसिकली हमारी तखवा की जो रहबर मौजम कहते हैं अपनी मुख्तलिफ तकरीब में कि तखवा ही बेसिकली शील्ड है, अगर मैं मेरी वो महफूज है तो ठीक है मैं इसको फिर वो इस्तेमाल करूँ और कोशिश करूँ कि इस मैदान में मैं भारत हूँ और आगे तक बढ़ूँ। दूसरा ये कि एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि देखें हर फील्ड का ना दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं या कोई भी आप प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, आप जब भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं जब आप उसके प्रोफेशनल बने। मिसाल के तौर पर डॉक्टर है, अगर वो स्पेशलाइजेशन करेगा या मुख्तलिफ जो एग्जाम्स पास करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से इंजीनियर है, अगर वो मुख्तलिफ जो वो टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करेगा देन ओनली वो आगे बढ़ सकता है या अपने फील्ड में एक्सेल कर सकता है, अपने करियर में आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से ये भी मीडिया भी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, ये बेसिकली इंडस्ट्री है और सोशल मीडिया भी एक इंडस्ट्री की शक्ल है, पूरी एक इंडस्ट्री है। अगर तो मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल हूँ और मैं कुछ प्रोफेशनल्स के साथ जो है वो मरबूत हूँ या मुझे इस फील्ड की अच्छी खासी नोआव है, तब तो देखें हमें जो है ना वो इस मैदान में उतरना चाहिए, यानी कि मैं बेसिकली प्रोफेशनल बनूँ पहले, मुझे पता हो क्या इस्तेमाल है, कहाँ तक इसमें जाना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप है मुझे रुक जाना चाहिए, तब तो ठीक है। क्योंकि देखें अगर मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं बनूंगा तो मैं इसमें ना आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको मिसाल दी कि अगर मैं किसी भी फील्ड में हूँ और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उस फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मुझे सोशल मीडिया के मैदान में भी आगे बढ़ना है या इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो मुझे उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। मैं आंख बंद करके ब्लाइंड होके अगर सिर्फ इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा और मैं हर ऐप को डाउनलोड कर लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबको इस्तेमाल करूं ताकि मैं बहुत ज्यादा सोशल हो जाऊं, तो ये हमें
लामहाला नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो नुकसान टेंजिबल हो यानी कि मुझे नजर आने वाला नुकसान हो, या फिर मेरा रूहानी कोई नुकसान हो रहा हो। अच्छा दूसरा ये कि एक और बात ये कि जो लास्ट बात भी है मेरी वो ये कि कोशिश करें कि अपनी जो दोस्तियां हैं या जो अपनी अपनी जो आप पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, यानी कि जो आपकी जो पूरी सोशल लाइफ है उसको कोशिश करें कि लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में ज्यादा गुजार लें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन रखें। अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन अच्छा होगा या आप उनसे अच्छे हुस्ने सलूक के साथ पेश आ रहे होंगे, तभी मिसाल के तौर पर एक दोस्त है मेरा और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं भी उसके काम आता था, वो मेरे काम आता था, दोनों दीनदार थे और दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, वो दोस्त मेरा आउट ऑफ द कंट्री चला जाता है, ट्रेवल कर जाता है, अगर तो आप मुझे बताएं कि अगर मेरा उससे डायरेक्ट रابطہ या डायरेक्ट ताल्लुक अच्छा रहा होगा तभी ये पॉसिबल है कि वो कहीं भी दुनिया में चला जाए या मैं भी दुनिया में कहीं चला जाऊं और हम दोनों का रابطہ बरकरार रहे। अदरवाइज आपने खुद देखा होगा कि जिन लोगों से आपका वैसे डायरेक्ट रابطہ नहीं रह पाता उनका आपका सोशल मीडिया के जरिए भी कम ही रابطہ होता है। ये इसकी वजह यही है कि हमें ये पहले कोशिश करनी है कि हम लोगों से पहले अपना रابطہ अच्छा इस्तवार करें। और मेरे ख्याल से तकरीबन बातें डिस्कस हो गई हैं। बाकी एक और बात ये कि नेटवर्किंग वेबसाइट जो नेटवर्किंग एप्स जो उनमें बहुत बहुत ज्यादा उनसर एक उसका भी है कि लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि पता नहीं ऐसा क्यों है लेकिन मैंने खुसूसन लड़कों में ये बात नोटिस करी है, मैं नहीं कह रहा आप लोगों में, मैंने मुख्तलिफ लोगों में बात नोटिस करी है कि लोगों की चीजों को देख के ना एक एहसास कमतरी का उनसर नजर आने लगता है उनमें कि यार पता नहीं उसने ये कैसे अचीव कर लिया, उसकी शक्ल इतनी प्यारी क्यों है और वो वहां पे क्यों खाना खाने चला जाता है, ये एक एहसास कमतरी को उनसर ही पैदा करता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी चीजों को ना जो जिसको आपको लगता हो कि यार इसको देख के किसी को भी जो है वो शायद किसी की दिलदारी हो जाए या कोई इस तरीके से बताना नहीं कि एहसास कमतरी का शिकार हो, तो कोशिश करें कि उसको वहां पे ना डालें या उसको अवॉइड करें या उसको कोई और वे आउट निकालें उसको शेयर करने का, लोगों को बताने का। बाकी मेरी बात तमाम हुई, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी भी दोस्तों के सवाल आते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी भी को भी कोई सवाल है तो अपने आप को तो वन बाय वन अनम्यूट करेगा, ठीक है, वन बाय वन सवाल ठीक है, जिसको भी सवाल है अपने आप को अनम्यूट करें बाकी और सवाल करें। समीर रजा रोल नंबर 10 को क्वेश्चन है, उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। मुझे ये पूछना था कि जो इसमें इंटरनेट का इशू आ रहा है ये अटेंडेंस कैसे लगेगी? मखालिद सरोज भाई इस सवाल का जवाब दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी का सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये कि हमारे मौसम जो ताकीद करते हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की, तो लेकिन जो है बाज अवकात जो दोस्तान सोशल मीडिया पर बेरहमी का शिकायत रहते हैं, उसके लिए क्या हल है? मौसम ताकीद करते हैं और एक तरफ जो दोस्तान जो बेरहमी का शिकायत रहते हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम करें सोशल मीडिया के? देखें, वालेकुम सलाम। देखें,
सबसे पहले तो रहबर मौजम ने ना कभी भी ये नहीं बोला, नहीं कम अज कम मेरी नजर से रहबर मौजम की कोई तकरीर नहीं गुजरी है। ये जो आप बात बोला ना, मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है, लेकिन मैंने रहबर मौजम का कोई भी ऐसा फ्रेज या खुद डायरेक्टली उनसे या खामने डॉट आई आर पे या किसी उनकी तहरीर के अंदर या किसी भी बुक के अंदर मैंने ये नहीं पढ़ा कि रहबर ही बोलते हैं कि मैं ये ताकीद करता हूँ कि भाई हर जवान, चाहे वो जिस भी उम्र का हो, जिस भी एज का हो, जिस भी बैकग्राउंड का हो, वो जाए और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दे और उस मैदान में वारिद हो जाए। ऐसा रहबर ने कभी नहीं बोला। और रहबर कभी भी ना डायरेक्ट इस तरह बात नहीं करते कि भाई मैं ये आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जाएं और सोशल मीडिया में जाएं और जाके इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि ये चीज भी रहबर के हवाले से बहुत ज्यादा मनसूब की जाती है। खुद मैंने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे इन्हीं एप्स पे देखा है कि भाई रहबर ने ये कहा है कि आप जो ना सोशल मीडिया को इस्तेमाल क्या करें, आप रहबर ने बहुत ताकीद करी है, बहुत इंसिस्ट करा है। देखिए लामाला रहबर मौजम भी मेरे हिसाब से, खैर मैं बहुत नाकिस आदमी हूँ, लामाला ये रहबर भी इसको एक मैदान ही समझते होंगे कि यहाँ जहाँ पे जाए वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को आना चाहिए, दुश्मन के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को काउंटर करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि रहबर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप लोग जाए और बिल्कुल ब्लाइंड होके और कुछ सोचे समझे बगैर जाए और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो जवानों को बेरारवी पे अगर वो भी देखें, बिल्कुल अखली बात है, अगर कोई बंदा या कोई लड़का ये समझता है कि यार मैं अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगा तो मैं बेरारवी का शिकार हो रहा हूँ या हो जाऊंगा, तो मुझे फिर रहबर की किसी स्टेटमेंट की जरूरत थोड़ी है कि रहबर मुझे मना करें कि तुम नहीं करो, मुझे तो खुद छोड़ देना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि यार मेरे दीन को खतरा है, मेरे ईमान को खतरा हो रहा है, तो मैं छोड़ दूं, पहले मैं अपने आप को तैयार करूं उसके लिए, उसके बाद मैं फिर उसको इस्तेमाल करूं। मेरा ख्याल जवाब क्लियर हो गया। बहुत शुक्रिया। किसी और को कोई सवाल है तो वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। ठीक है, आप में से कोई भी जो है लीव नहीं करेगा अभी, ठीक है, आप में से कोई भी लीव नहीं करेगा। मैं आपको जो है वो कुछ चीजें बता देता हूँ पहले, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अटेंडेंस जो आपकी लगेगी वो लगेगी चैट बॉक्स में, ठीक है। आपके पास चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में जाएं, ठीक है, और वहां पे अपना नाम और रोल नंबर लिख के मैसेज कर दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाएंगे, आपकी अटेंडेंस इसी तरीके से लगेगी। आप चैट बॉक्स में जाएं और अपना नाम और रोल नंबर लिख के जो यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कल से क्लास जो है वो 5:45 पे जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें कि 5:45 तक या 5:50 तक मैक्सिमम आप क्लास के अंदर इनरोल हो जाएं, ठीक है। अपनी वॉइस बन रखनी है आपने, अपनी वीडियो बन रखनी है आपने, ठीक है ना। जब हम आपको इजाजत देंगे, मतलब हमने आपको इजाजत दी हुई, ठीक है, आपको क्या करना है, खुद से अखलाकियात के दामन को हाथ में रखना है और अपने वॉइस को वीडियो को बंद रखनी है। जब आपको जरूरत पड़े या सर आपसे सवाल करें या आपको कुछ सवाल पूछना हो तो हाथ खड़ा करें जिसमें रेज ऑप्शन गए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप सवाल कर लें, ठीक है। या अगर आपसे सर सवाल करते हैं डायरेक्ट तो आप अपना अनम्यूट करें माइक को और उसके बाद फिर जो है आप जो है उसका जवाब दे दें, ठीक है। पीछे से जो है वॉइस आ रही थी आज भी मुसलसल, तो उनको बार बार जो है बंद करना पड़ रहा था, ठीक है। कोशिश करें कि उसको जो है वो कल से थोड़ा सा बेहतर बनाए। आज पहली क्लास थी, जूम के ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कल से जो है वो सारी मुश्किलात जो है वो हल होती रहे ना। जल्दी जल्दी जो है वो सब अपनी जो है वो अटेंडेंस जो है वो चैट बॉक्स में भेज दें हमें ना। भाई अटेंडेंस लगा दी, अब क्या नाम है, लीव कर देंगे क्लास? जी जी अटेंडेंस लगा दी है तो लीव कर सकते हैं। मैंने कल मुकर्रर कौन है? कल जो है वो ग्रुप में डाल दिया, एक दफा फिर शेयर कर देंगे आपको, ठीक है।
अगर आपको कोई इश्यू है तो फिर जिस तरीके से जो है आपको अवेलेबिलिटी हो ना, तो आप उस टाइम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने मैसेज किया 5:45 वाला, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी वीडियो, जिनकी जहाँ से मिस होगी वो वहाँ से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एंड यहाँ से मीटिंग करूंगा, तो सब अटेंडेंस वगैरह चली जाएगी, जिस जिसके अटेंडेंस नहीं है वो जल्दी से लगा ले, लगा ली। थर्टीन अटेंडेंस आई है अभी तक, और यहाँ पे तकरीबन 17-18 बच्चे थे। चलो जब जमीन वाले भी देना आप लोग। अच्छा मुझे ये पूछना था कि आइंदा फिजिकल क्लासेस का कोई सीन है? क्या बोल रहे हैं? आइंदा फिजिकल क्लासेस का कोई सीन है? नहीं फिलहाल कोई भी नहीं है, अब एंड तक जो है वो क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है तो फिजिकल क्लास नहीं होगी। हेलो जी बोले सर, मेरा रोल नंबर आया है। लीव कर देना बस।